नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल देसी कहानी स्टार पर आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है। तो भक्तों, आज इस चैनल के माध्यम से हम आपको एक ऐसी रहस्यमयी कहानी प्रस्तुत कर रहे हैं जो बहुत ही अद्भुत है और रोचक है। कहानी का मूल कंटेंट है कि काल भैरव ने ब्रह्मा जी की गर्दन को क्यों काटा। काल भैरव ने ब्रह्मा जी के शीश को क्यों काटा। एक समय की बात है, संपूर्ण देवताओं की महासभा चल रही थी जिसमें ब्रह्मा जी मौजूद थे। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों में से सिर्फ ब्रह्मा ही उस देवताओं की महासभा में मौजूद थे। तो ब्रह्मा जी को अपनी शक्तियों पर गर्व होने लगता है और ब्रह्मा जी घमंड की बातें करने लगते हैं और कहते हैं कि इस संसार में सबसे बड़ा मैं ही हूँ, मुझसे बड़ा इस संसार में कोई भी नहीं है। तो क्या होता है श्रोताओं, जब ब्रह्मा जी के मुख से ऐसी घमंड भरी बातें, गर्व भरी बातें देवता सुनते हैं तो देवता कहने लगते हैं कि हे प्रभु, हमने तो सुना है कि सबसे बड़े भगवान शिव शंकर हैं और उनसे भी बड़े श्री हरि नारायण हैं, भगवान विष्णु हैं और इन सबसे बड़ी आदि शक्ति को माना जाता है। लेकिन आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो कि सबसे बड़ा ब्रह्मा है। तो क्या होता है श्रोताओं, जब ब्रह्मा जी नहीं मानते हैं तो सारे देवता कहने लगते हैं कि समुद्र मंथन जब हुआ, श्रोताओं सर्वप्रथम समुद्र मंथन हुआ था उसमें चार वेद निकले थे और चार वेदों में इस सृष्टि की रचना और इस सृष्टि पर सबसे बड़ा कौन है यही वर्णित था और स्वयं ब्रह्मा जी ने उन चार वेदों को पढ़ा था। लेकिन फिर भी ब्रह्मा जी को घमंड होने लगता है और सारे देवता ब्रह्मा जी को लेकर चार वेदों के पास में चले जाते हैं और चार वेदों से पूछने लगते हैं कि हे वेदों, हमारे बीच में एक मामला उलझ गया है, उसे आप सुलझाने की कोशिश करें। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि सबसे बड़ा संसार में मैं हूँ, मुझसे बड़ा ना कोई विष्णु है ना कोई शिव शंकर है। तो चारों वेदों ने जवाब दिया कि इस सृष्टि पर सबसे बड़ी आदि शक्ति है जो भगवान विष्णु के और शिव शंकर के अधीन रहती हैं। भगवान परम ब्रह्म शिव शंकर और भगवान विष्णु ही उन्हें इस सृष्टि में कुछ करने का आदेश देते हैं। सबसे बड़े उन्हीं आदि शक्तियों को माना गया है। तो क्या होता है श्रोताओं, जब ब्रह्मा जी से चार वेदों ने ये बात कही तो ब्रह्मा जी फिर भी नहीं मानते हैं और कहने लगते हैं कि सबसे बड़ा तो मैं ही हूँ। तो देवता शिव शंकर भगवान के पास में आ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप हमारा फैसला करिए और आप हमारे साथ में चलिए और ब्रह्मा जी को बताइए कि सबसे बड़ा कौन है। तो क्या होता है श्रोताओं, ब्रह्मा जी और शिव शंकर भोलेनाथ आमने सामने खड़े हो जाते हैं और जब दोनों महाशक्ति आमने सामने खड़े होकर के वार्तालाप करने लगते हैं तो उन दोनों के मध्य में एक प्रकाश उत्पन्न होता है और उस प्रकाश में एक छोटा सा बच्चा निरूपित रहता है और उस छोटे से बच्चे को जब भगवान शिव शंकर और ब्रह्मा जी देखते हैं तो उधर से तो ब्रह्मा जी उन्हें वरदान दे देते हैं और इधर से भगवान भोले शंकर उन्हें वरदान देते हैं कि इस संसार में आपको कोई नहीं हरा सकता और आप हमारे बेटे के समान हो, आपको हमने हमारा पुत्र मान लिया है। तो श्रोताओ, जब वह पुत्र भगवान शिव शंकर और ब्रह्मा जी के सामने ही बड़ा होने लगता है
तो एक विशाल रूप रख लेते हैं और विशाल रूप रख करके ब्रह्मा जी का पांचवां शीश धड़ से अलग कर देते हैं और ब्रह्मा जी के पांचवें शीश को धड़ से अलग करके भगवान भोलेनाथ से कहने लगते हैं कि हे भोलेनाथ, ब्रह्मा जी ने इसी मुंह से आपकी बुराई करी थी, आपके बारे में बुरी बुरी बातें ब्रह्मा जी ने इसी मुंह से करी थी, इसलिए मैंने क्रोध में आकर के और ब्रह्मा जी के पांचवें शीश को काट दिया है। तो क्या होता है श्रोताओ, भगवान शिव शंकर कहने लगते हैं काल भैरव से, उस पुत्र का नाम काल भैरव रखा गया और वो कहने लगे कि हे काल भैरव, आपको ब्रह्म हत्या लगेगी और आप इस पृथ्वी की 7 बार परिक्रमा करके आइए, तब जाकर के ये ब्रह्म हत्या आपके सर से उतर सकती है। तो श्रोताओ, जब काल भैरव पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए गए तो भगवान विष्णु और शिव शंकर ने उनके साथ में आदि शक्ति माता देवी को भेजा था और उनको कहा था कि आप देख करके आइए, काल भैरव कहीं रास्ते में से वापस ना आ जाए। तो श्रोताओ, काल भैरव के साथ साथ में उस देवी ने भी पृथ्वी की परिक्रमा करी थी और पृथ्वी की परिक्रमा करने के बाद में भगवान शिव शंकर और भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान दिया कि संसार में काल भैरव नाम से आपकी पूजा होती रहेगी और काल भैरव जहां पूजेगा वहां पर देवी माता की भी पूजा होगी। तो श्रोताओ, जो भैरव बाबा होता है जिसे हम देसी भाषा में भैरव बाबा कहते हैं, वो उसी समय से पूजता आ रहा है और उनके साथ में माता आदि शक्ति भी, माता दुर्गा, माता पार्वती, जिसे हम कुछ भी कह सकते हैं, कोई भी नाम ले सकते हैं, वो हमेशा भैरव बाबा के साथ में पूजनीय रहती हैं। तो श्रोताओ, इस प्रकार से भैरव बाबा की उत्पत्ति हुई थी। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक अवश्य कर देना। धन्यवाद।